विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। मेरा पुत्र, प्रभु की ये लीला तो सर्वथा अद्भुत थी। लंकेश, उस नवजात शिशु के जन्म के पूर्व उसके पिता और अब जन्म के उपरांत उसकी माता दोनों ही मृत्यु को प्राप्त हुए, किंतु अनाथ होकर भी उसकी माता के शब्द उन शब्दों में निहित प्रभु के प्रति अटूट आस्था और विश्वास को उस अबोध बालक ने अपने हृदय में धारण किया और स्वयं जगत पिता महादेव का शरणागत बन गया। लंकेश, जो महादेव का कृपा पात्र बन जाए उसकी सुरक्षा तो स्वतः ही निश्चित हो जाती है। यही तो भक्ति का मूल मंत्र है गौरी पुत्र। जहाँ विश्वास है, आस्था है, वहीं प्रभु शिव शंकर शंभू का वास है। किंतु फिर उस विश्वास, उस आस्था का क्या परिणाम हुआ लंकेश, जिसके साथ एक असहाय माँ अपने नवजात शिशु को उस निर्जन और भयंकर वन में अकेला छोड़ने पर विवश हो गई थी। वो भयंकर वन तब और भी भयंकर होने वाला था गौरी पुत्र, क्योंकि अब शीघ्र सूर्यास्त के साथ रात्रि का आरंभ होने जा रहा था। Thank you.
सघन वन में कहां अपना मार्ग भूलकर उलझ गई मैं। दिवस भी ढलने को है, रात्रि होने से पूर्व मुझे इस वन से निकल जाना चाहिए। भिक्षुणी पर अभी अंधकार मत होने दीजिए प्रभु। मैं इस भयंकर वन में हिंसक पशुओं के मध्य अकेली ना रह जाऊं प्रभु। प्रभु किधर जाऊं कुछ समझ नहीं आ रहा। कदाचित कोई पशु घात लगाए बैठा है, मुझे मार्ग परिवर्तित करना चाहिए। पर संकट है, महादेव रक्षा करे, महादेव रक्षा करे, महादेव कहाँ जाओ प्रभु। तो सभी ओर से संकटों से घिरी हूँ, किंतु मुझे ऐसा आभास क्यों हो रहा है जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे इस मार्ग से नहीं अभी तो दूसरे मार्ग से जाने का निर्देश दे रहा हो। किंतु मैं जाऊं तो जाऊं किस दिशा में। वन में अकेले कैसे रहूंगी मैं। अरे महादेव, हे महादेव रक्षा करें, हे महादेव।
रक्षा करे महादेव। ये वन तो विकट उलझाव के समान है। शकुने वही पहुंच गई जहां कुछ समय पूर्व थी। वन में शिशु नवजात शिशु इस घने जंगल में कैसे? इसकी माँ कहाँ है? कोई तो होना चाहिए ना इसके साथ। यहाँ तो मुझे कोई नहीं दिखाई दे रहा। ये वस्त्र अर्थात अकेला नहीं था ये शिशु। अवश्य इसकी माँ इसके साथ थी जो अब किसी हिंसक पशु का ग्रास बन चुकी है। देवी, आपका आंचल रिक्त है और इस शिशु को भी ममता भरे आंचल की आवश्यकता है। कदाचित नियति भी आप दोनों को एक साथ यहाँ ले आई है। आप दोनों इस विशाल जगत में एकाकी हैं। इस शिशु के पालन पोषण के लिए, सभ्य और संस्कारी बनने के लिए इसे आवास और मनुष्यों की अच्छे संगत की आवश्यकता होगी। इसलिए आप इस शिशु का पालन पोषण कीजिए, क्योंकि वृद्धावस्था में यह आपकी सेवा करेगा। भिक्षुक, मुझे तो ऐसा आभास हो रहा है जैसे नियति ने नहीं स्वयं मेरे भोलेनाथ ने हम दोनों का साथ निर्धारित किया है। पुत्र, भोलेनाथ ने तुम्हें मुझे सौंपकर मेरा रिक्त आंचल भर दिया। मुझे मेरे जीवन का एक नवीन आधार दे दिया। मुझे ज्ञात है तुम्हें भोजन देने और तुम्हारा पालन पोषण करने हेतु मेरे पास कुछ नहीं, किंतु मुझे मेरे महादेव पर विश्वास है, वही हमारी देखरेख करेंगे। Thank you.
पूर्ण आस्था होती है उन पर वो सदैव कृपा दृष्टि रखते हैं। ये घटना तो इसका ही एक और उदाहरण थी। आयु में वृद्धि होने के साथ वो बालक प्रभु शिव शंकर शंभू के प्रति अपनी दोनों माताओं का अटूट विश्वास और आस्था आत्मसात करता गया। पुत्र, हम पर अपनी कृपा दृष्टि रखने हेतु मेरे प्रभु शिव शंकर है यहाँ। माँ, क्या है प्रभु शिव का परिचय और हमें सदैव उन पर आस्था क्यों रखनी चाहिए? शिव वो शून्य है जिनसे समस्त ब्रह्मांड प्रकट हुआ। वो अनंत है, सर्वव्यापी है, वही सृजनकर्ता भी है, संघारक भी और विनाशक भी। सब कुछ उन्हीं से है पुत्र, किंतु मेरे अनुसार तो शिव ही सर्वोच्च है। सृष्टि में जीवन के आधार है, इसीलिए सदा स्मरण रखना पुत्र, प्रभु शिव में सदा आस्था और विश्वास रखना, फिर जो भी होगा उत्तम ही उत्तम होगा। मुझे प्रभु शिव शंकर में अनंत आस्था है माँ, जो भी होगा सदा उत्तम ही होगा। ज्ञान में समृद्ध किंतु धन से दरिद्र होने के कारण भिक्षुणी माता के द्वारा उस बालक का लालन पालन करना कदापि सरल नहीं था, किंतु जब भी वो दोनों ऐसी किसी कठिनाई का सामना करते तो कोई ना कोई चमत्कार उनको उस कठिनाई से मुक्त कर देता। माँ, मुझे भूख लगी है माँ, कुछ खाने को दो ना माँ। कहाँ से लाऊं भोजन, कुछ भी तो अन्न नहीं है घर में पकाने के लिए। प्रसाद, प्रसाद लाया हूँ मैं। कौन? ये लो पुत्र, प्रभु का प्रसाद ग्रहण करो। कितना तीव्र ज्वर है तुम्हें पुत्र, किंतु तुम्हारी भिक्षुणी माँ के पास इतना भी धन नहीं कि तुम्हें वैद्य के पास ले जा सके। माँ, आप ही तो कहती हो कि महादेव पर विश्वास और आस्था रखो तो जीवन में सब कुछ उत्तम ही होगा, तो क्यों व्यर्थ चिंता करती है? महादेव हमारा ध्यान अवश्य रखेंगे। बाहर बहुत वर्षा हो रही है देवी, तो क्या मैं यहाँ आपके द्वार पर इस वर्षा के थमने की प्रतीक्षा कर सकता हूँ? मैं एक वैद्य हूँ, निकट के ग्राम के रुग्ण व्यक्ति का उपचार करने आया था। वैद्य स्वयं आ गए यहाँ, ये भी आप ही की कृपा है महादेव। माँ, सभी बालक गुरुकुल जाते हैं तो मेरा वहाँ जाने का अवसर कब प्राप्त होगा माँ? धन के अभाव में मैं तुम्हें गुरुकुल भी नहीं भेज सकती पुत्र, तुम्हारी माँ के पास गुरु दक्षिणा देने के लिए कुछ भी तो नहीं, वो रिक्त है। बताइए ना माँ, मैं कब जा सकूँगा गुरुकुल? जब महादेव की इच्छा होगी तब। चलो। हाँ।
पुत्र। हमें क्षमा करें गुरुवर, हमने आपके अध्ययन अध्यापन में बाधा डाली। हम अभी चले जाते हैं। चलो पुत्र। कहाँ जा रहे हो तुम? तुम हमारे गुरुकुल में प्रवेश कर चुके हो, तो हमारे शिष्य हो। प्रणाम गुरुदेव। तुम्हारा नाम क्या है बालक? क्या नाम है तुम्हारा? पुत्र। मेरा नाम तो पुत्र है गुरुदेव। पुत्र? हाँ गुरुदेव, मेरी माँ तो मुझे पुत्र कहकर ही पुकारती है। तो मेरा नाम तो पुत्र हुआ ना, और मेरे सखा मुझे मित्र कहके पुकारते हैं। और आप सभी मुझे सहपाठी कहके पुकार सकते हैं। इसीलिए पुत्र, मित्र, सहपाठी, शिष्य और शिव भक्त, यही मेरा नाम है। जो आपकी इच्छा हो आप उस नाम से पुकार लीजिए। तुम तो श्रोता विलक्षण हो पुत्र। इसे धर्म के उस रहस्य का ज्ञान है जो तुम्हारी आयु में अन्य सभी से गुप्त रह जाता है। इसलिए समस्त संसार में जो तुम्हारा नाम प्रचलित होगा वो है धर्मगुप्त। आपको कोटि कोटि धन्यवाद गुरुदेव। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे मेरा नवीन नाम स्वयं मेरे गुरुदेव ने प्रदान किया। इस प्रकार समय के साथ साथ वो बालक धर्मगुप्त युवा अवस्था में पहुंच गया और अब वो ज्ञान अर्जित कर अत्यंत ज्ञानी हो चुका था। प्रभु शिव शंकर शंभु पर उसकी आस्था और भी दृढ़ हो गई थी। मित्र, ये मार्ग अनुचित है, इस पर मत चलो। ये अनुचित मार्ग नहीं है मित्र, ये तो हमारे ग्रह के लिए सबसे छोटा रास्ता है। धर्मगुप्त, कदाचित तुम्हें ज्ञात नहीं, इस वन में राज विरोधी सशस्त्र दस्यु समूह घात लगाए हुए रहते हैं, और इसलिए इस मार्ग से जाना तो स्वयं संकट को आमंत्रित करने जैसा है। भानु, इस प्रकार भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, हमें विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मुझे तो प्रभु शिव शंकर में संपूर्ण विश्वास है, पूर्ण आस्था है। उनकी कृपा से जो भी होगा सर्वथा उत्तम ही होगा। यदि तुम भी उनमें वैसा ही विश्वास रखने में समर्थ हो तो मेरे साथ आओ, अन्यथा मैं अकेला ही आगे बढ़ जाऊंगा। चलते चलते इतनी दूर का मार्ग तय कर चुके हैं कि अब अकेले लौटना भी उचित नहीं। मित्र, अरे किस मूर्ख ने यहां इतनी सारी शिलाएं स्थित कर दी? कदाचित उसी ने मित्र, जिसने यहां कुछ छिपाने का प्रयास किया है। ध्यान से देखो मित्र भानु,
धर्मगुप्त, तुमने उचित कहा था। जो भी होगा उत्तम होगा। अरे देखो, इतने अधिक धन से तो हमारे जीवन की सारी दरिद्रता नष्ट हो जाएगी। चलो इसे हम दोनों आपस में बांट लें। किंतु क्या यह उचित होगा मित्र? ये तो उन्हीं दस्यु समूह का अनुचित रूप से प्राप्त किया हुआ धन प्रतीत होता है, जो यात्रियों को लूटते हैं। इस धन पर हमारा कोई अधिकार नहीं। पर इन पर तो उनका भी अधिकार नहीं है ना, जिन्होंने इसे यहाँ पे छुपाया है। और अब ये हमें मिला है तो अभी हमारा हो गया। हाँ, इस प्रकार पराये धन से मोह उचित नहीं है मित्र। राज्य में इस प्रकार प्राप्त हुई कोई भी वस्तु अथवा धन पर हमारा नहीं, राजा का अधिकार होता है। अतः हम इस धन का कुछ उपयोग नहीं कर सकते। आओ हम दोनों इस धन को राजकोष में दे दें। किंतु इस प्रकार तो मित्र हमारी शत्रुता उन दस्यु समूहों से हो जाएगी और हमें कुछ प्राप्त भी नहीं होगा। जैसा मैंने पूर्व में भी कहा था, मुझे प्रभु शिव में पूर्ण आस्था है। जो होगा उत्तम ही होगा। फिर क्या हुआ लंकेश? क्या भानु की स्वीकृति पाकर वो दोनों उस धन को राजा को लौटाने गए? हाँ गौरी पुत्र, भानु ने तो उनकी बात को स्वीकार कर लिया था, किंतु फिर मार्ग में स्वयं धर्मगुप्त का ही मन परिवर्तित हो गया और उन्होंने वो धन राजा के पास ले जाने का अपना निर्णय पलट दिया। किंतु ऐसा क्यों किया उन्होंने? क्योंकि ये तो उचित नहीं था। गौरी पुत्र, धर्मगुप्त के अनुसार वो जो कर रहे थे वो सर्वथा उचित ही था। मित्र धर्मगुप्त, दस्यु समूह का छिपाया धन प्राप्त करके हमारी शत्रुता तो उनसे हो ही चुकी है, किंतु अब कहीं हम राजा के भी शत्रु न बन बैठे। कदाचित जो तुम सोच रहे हो वो हमारे लिए किसी बड़े संकट का कारण न बन जाए। इनकी निर्धनता और विवशता तो देखो मित्र। यहाँ अकाल और भूकंपन के प्रकोप के उपरांत इनके लिए कुछ भी शेष नहीं रहा है। तो क्या इस धन से इनकी सहायता कर हम कुछ अनुचित कर रहे हैं? अभी तो तुमने कहा था कि ये धन हमारा नहीं। जो धन राजा का है हम उसे कैसे बांट सकते हैं मित्र? धन का उचित स्थान तो वही होता है जहाँ उसकी आवश्यकता होती है। वैसे भी राजा का धन प्रजा का ही तो होता है। एक बार उचित प्रकार से विचार कर लो मित्र, कहीं दस्यु समूह और राजा दोनों से शत्रुता का भयंकर परिणाम न भुगतना पड़े हमें। जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा था, मुझे अपने प्रभु शिव शंकर में पूर्ण आस्था है। जो होगा उत्तम ही होगा। लंकेश, धर्मगुप्त उदारता में भी कम नहीं थे। हाँ गौरी पुत्र, किंतु धर्मगुप्त की उस उदारता का उन निर्धन असहाय ग्रामीणों पर अत्यंत विपरीत परिणाम होने वाला था। किंतु क्यों और कैसे लंकेश? विदर्भ नरेश की जय हो। गुप्तचर, मेरे समक्ष प्रस्तुत होकर इस प्रकार शांत क्यों हो? कहो क्या समाचार लाए हो? शीघ्र कहो। एक राजा सभी प्रकार के समाचार सुनने के लिए सदैव तैयार रहता है। महाराज, दस्यु समूह द्वारा लूटा हुआ एकत्रित धन आपकी प्रजा के एक ग्राम के वासियों ने प्राप्त कर लिया है। उस क्षेत्र में अकाल का प्रभाव था, वहां के वासी भोजन रहित पीड़ा से ग्रसित थे, किंतु आपके धन का लाभ उठाकर आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं।
सेनापति। जो सच्ची निष्ठा से ईश्वरीय पथ पर होते हैं उन्हें भगवान सदैव विकट परिस्थिति में भी मार्ग दिखाते रहते हैं।